बोलिए भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जीत गया भाई, जीत गया, जीत गया भाई, जीत गया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी रायपुर संभाग के कार्यकर्ताओं के इस अभिनंदन समारोह में हम प्रदेश के यशस्वी, सीधे साधे, सरल, सेवाभावी 3 बार के विधायक, 4 बार के सांसद और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। हमारे नवनियुक्त जो हमारे रायपुर संभाग के कार्यक्रम में पहली बार आए हैं, बस्तर के शेर और विधायक, प्रदेश के अध्यक्ष किरण देव जी का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत करें, अभिनंदन करें। प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रदेश के गुंडे बदमाशों को और ऐसे कांग्रेसी जो छत्तीसगढ़ में अशांति पैदा करते हैं उनको ठीक करने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, ऐसे विजय शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे रायपुर के सांसद भाई सुनील सोनी जी, हमारे मंत्रिमंडल के साथी जो बलौदा बाजार से आते हैं, ऐसे भाई टंकराम वर्मा जी, हमारे सांसद भाई चुन्नीलाल साहू जी, हमारे विधायक साथी अजय चंद्राकर जी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी, विधायक साथी भाई मोतीलाल साहू जी, विधायक साथी भाई पुरंदर मिश्रा जी, विधायक साथी संपत जी, इंद्र कुमार साहू जी, रोहित साहू जी, गुरु कुशवंत साहेब जी, अनु शर्मा जी, योगेश्वर सिन्हा जी, संजय श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, सरला कोसरिया जी, किशोर महानंद जी, जगदीश रामू रोहरा जी, नंदन जैन जी, रंजना साहू जी, अलका चंद्राकर जी, धनीराम धीवर जी, श्रवण मरकाम जी, श्री गोवर्धन मांझी जी, सौरभ सिंह जी, जगन्नाथ पाणिग्रही जी, हमारे रायपुर शहर जिले के अध्यक्ष जयंती पटेल जी, धमतरी के अध्यक्ष शशि पवार जी, सनम जांगड़े जी, रूप कुमार चौधरी जी, राजेश साहू जी, खूबचंद पारक जी, नीलू शर्मा जी, मोतीलाल चंद्रवंशी जी, संध्या परगनिया जी, डेनिस चंद्राकर जी, छगनलाल मुंडड़ा जी, आलोक टंडन जी, मंच पे बैठे सभी नेताओं का करतल ध्वनि से इस राजधानी में स्वागत करें, अभिनंदन करें। बंधुओं, 5 साल बाद हमको अच्छे दिन आए हैं और अच्छे दिन लाने वाले कोई हैं तो आप सब कार्यकर्ता हैं, आपके दम पर आए हैं, आपकी मेहनत पर आए हैं, आपके परिश्रम से आया है, आपके त्याग से आया है, आपकी तपस्या से आया है, आपके कष्ट झेलने से आया है। 5 साल आपने दुर्दिन देखे हैं और ये अगर अच्छे दिन आए हैं तो उसका अभिनंदन, उसका श्रेय किसी को है तो आप सब कार्यकर्ताओं को है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, उप मुख्यमंत्री जी, सभी मंच पर बैठे हुए लोग आपका अभिनंदन करने आए हैं। परंतु इस अभिनंदन से हमको अभिभूत होकर घर में चुप नहीं बैठना है, अब तो हमारे घर में राम लला भी आ रहे हैं, तीर धनुष लेकर आ रहे हैं, अन्यायियों का नाश करने के लिए आ रहे हैं, अत्याचारियों का नाश करने के लिए आ रहे हैं, आतंकियों का नाश करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु राम से प्रेरणा लेकर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हमको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, बनाना है, बनाना है। और इस सुनहरे भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत का निर्माण करना है,
मोदी जी की गारंटियों को घर घर तक पहुंचाना है और लोगों को बताना है कि ये लबरा की सरकार नहीं, ये मोदी जी की गारंटी की सरकार है और ये हर गारंटी को पूरा करेगी, हर वादे को पूरा करेगी। जनता में अति उत्साह है, भीड़ लग रही है विधायकों के यहां, मंत्रियों के यहां। जनता को लगता है हमारा काम आज ही हो जाए, आज ही हो जाए। हमको उनको समझाना पड़ेगा, आपने 5 साल के लिए सरकार बनाई है, आप चिंता मत करो, मोदी की एक एक गारंटी को विष्णुदेव साय जी पूरा करेंगे, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनके साथ में ये हजारों कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया है और जनता को बताया है कि मोदी की गारंटी के लिए आप वोट दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन कर रहे हैं, आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता का अभिनंदन करिए, जनता को माला पहनाइए और जनता का अभिनंदन कर लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीट जीतने के लिए हम तैयारी करें। इसी आह्वान के साथ सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।